दोस्तों देश में आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून लागू हो गए। इसे 45 दिन के भीतर सुनवाई होगी। झूठी शादी का वादा जो करके और छोड़ देगा उसके ऊपर भी उसको सजा माना गया है, ठीक है। नाबालिग से अगर कोई गैंगरेप करता है, मतलब कोई लड़की 18 साल से कम की है तो कोई गैंगरेप करता है, उसको सीधे सीधे मौत सजा का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास, 0 FIR, इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए घटनाओं की रिपोर्ट समेत अन्य शामिल है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो 3 नए कानून अब बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी 3.2 में लागू कर दिया गया। हालांकि 2023 में जो है इसको लोकसभा से और राज्यसभा से पास कर दिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था उसको। तो जो 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है, तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जो पहले के IPC और CRPC और जो एविडेंस था उसको बदल दिया गया है, और अभी जो है इसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आपको भी जानना जरूरी है और हमको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पूरे देश का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इसमें वकील, पुलिस, जज, आम जनता सबको कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखिए इसमें वकीलों को भी अब पुराने जो कानून के चुनाव कानून को जाना जरूरी है और जो नए कानून बन गया उसको भी जाना जरूरी है। मान लीजिए पुराने केस होंगे, पुराने कानून चलेंगे, जो नए केस नए कानून चलेंगे। अगर पुलिस थाने में जाएंगे यार तो पुलिस वालों को भी क्या करना पड़ेगा, पुराने कानून का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, उस समय क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। और साथ ही साथ जो है जज की जो है उनके मतलब बहुत ज़्यादा लोड बन गया है, क्योंकि मान लीजिए कि पुराने कानून के हिसाब से जो पुरानी कार्यवाही चल रही है उसको पुराने कानून से करेंगे और जो नए कानून आज 1 जुलाई से लागू हो रहा है वो भी करेंगे। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों ऐसा हुआ है कि अभी जो है मोदी 3.0 में इतने बेहतरीन बदलाव किए गए हैं। देखिए जो कानून थे पहले के उसमें कुछ चीज़ ऐसी थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में मतलब सही नहीं हो पा रही थी, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ हो रहे थे जिसमें कुछ लूप होल था, कुछ गैप था। उस गैप को भरने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो है 3 कानून पेश किए थे और उसको पास किया गया लोकसभा से, जो उस समय पास हो गया था लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था, लागू जो है अभी किया गया है। हालांकि जो है ये जो है 21 दिसंबर 2023 को ही भारत संसद ने पास कर दिया था, ठीक है। अब मैं इसे पूरा लंबा बात नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर लंबा बात करूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं आपको मोटा मोटी जो है जो आपको जानना जरूरी है, हमको जानना जरूरी है छोटी छोटी चीज़ों को, और बात करेंगे जिससे आपका कुछ नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों पहली बात नहीं कि IPC, CRPC और एविडेंस हट गए हैं, उसके जगह पर जो है 3 भर में नए कानून लागू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को बदलने के 3 नए आपराधिक कानून पारित किया, जिसे 25 दिसंबर को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। अब इन कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया देश में, ठीक है। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू कर दी गई दोस्तों। मतलब कुछ अंग्रेजों ने 1860 में कानून बनाए थे, IPC जो था इंडियन पिनल कोड बोलते थे IPC, जिसमें जो है आज़ादी जो 1947 मिला आपको, लेकिन कानून बना था 1860। सोचिए BNS कानून में IPC के 22 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया, जो नए कानून बने हैं और 175 में बदलाव किए गए हैं, मतलब जो आज के टाइम में जरूरी थे। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता में जो है 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। उसके बाद 1898 में CRPC, मतलब जो एक CRPC अभी चल रही थी उसकी जगह अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू कर दी गई है। मतलब सोचिए आप 1898 में कानून बना था जो अब तक चल रहा था, जो किसी भी गवर्नमेंट ने उसको बदलने के लिए सोचा ही नहीं, बस थोड़े मोड़े बदलाव हो रहे थे, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा था दोस्तों। लेकिन बहुत बढ़िया कदम लिया गया मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, कानून को बदल दिया गया। और आज के टाइम में जो माहौल है, जो आज के टाइम में अपराध हो रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है जिससे लोग जल्दी न्याय मिले, लोगों को जल्दी जो है मतलब जस्टिस मिले, तो सारी चीज़ों के लिए कानून बनाया गया दोस्तों। अब 1898 में जो CRPC था उसकी जगह पे जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दिया गया 2023। उसमें ऐसा हुआ है कि उसमें CRPC के 9 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है और 160 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ 9 नए प्रावधान जो है उसमें जोड़े गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब जो है कुल 533 धाराएँ हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों एविडेंस जो होता है, जो पुलिस एविडेंस इकट्ठा करती है ना, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया दोस्तों। 1872 में जो है ना इंडियन एविडेंस कोड की लागू की गई थी, जो यहाँ पर बना था, जो अंग्रेज लागू करके गए थे यहाँ से, उसकी जगह पर अब जो है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू कर दिया गया है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया, जो इस समय लागू मतलब आज के टाइम पर जरूरी नहीं थे तो हटा दिया गया उसको। 30 प्रावधानों में बदलाव के साथ एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है। अब कानून में कुल 170 धाराएं हैं, मतलब 3 कानून बन गया आपको समझे। देखिए इंडियन पीएल कोड हट गया, उसके बाद CRPC हट गया, उसके बाद जो इंडियन एविडेंस कोड हट गया। अब उसके जब क्या हुआ है,
उसकी जगह पर अब जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साथ में साथ में भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू कर दिया गया। ठीक है, तीन कानून हटे हैं, साथ में तीन नए कानून लागू कर दिया गया जो उसके कंपेल में थे। अब हुआ क्या दोस्तों, देखिए 162 साल पुराने IPC, मतलब सोचिए 162 साल पुराने अनुमति बनाए गए थे, उसकी जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। और क्या बदला है, क्या नया हुआ है, उसे बात करें दोस्तों। देखिए पहले अपराध जो था वो अगर मर्डर करते हैं आप तो धारा 302 थी, अब जो है 111 लगेंगी। धोखाधड़ी में पहले 420 था, नहीं तो 420 कर लगा हो, 420 से हटाकर के आप 318 लागू कर देंगे या 318। ठीक है, रेप जो है 375 में रेप था, अब 63 कर देंगे। गैंग रेप 376 आर्टिकल डी था, उसको 70 कर दिया गया। गैर कानूनी सभा जो होती थी 141-144 था, उसके ऊपर 187-189 लागू कर दिया गया। दंगा जो दंगे होते थे, राइट्स होते थे, 146 IPC में वो 191 हो गया। IBNS में दहेज हत्या में 304 था, आर्टिकल B9 उसको 80 कर दिया गया है। हत्या का प्रयास जो 307 था, ठीक है बहुत सुने होंगे आप लोगों ने, उसको जो भी 9 कर दिया गया। मानहानि का 499 था, उसको 356 कर दिया गया है। किडनैपिंग 359 को 137 कर दिया गया। हमला जो करने वाले होते थे वो 351 को हटा करके 130, और पीछा करना वाला किसी का पीछा करते हैं आप जो है 354D को हटा कर 78 कर दिया गया था। दोस्तों देखिए अब भारतीय न्याय संहिता में नया क्या जुड़ा है, सबसे बड़ी बात कि नया क्या हुआ भाई, लोग पूछते थे कि नया क्या हुआ बताओ, तो नया ये हुआ है कि शादी का झांसा देकर, कहीं बहुत केस बढ़ गए थे, कोई भी किसी को शादी का प्रलोभन देकर उसे यौन शोषण करने रहा था उसके साथ में, लड़की सोचती थी कि चलो ये शादी कर लेगा हमारी इज्जत बच जाएगी, बाद में वो शादी नहीं कर रहे थे, लड़की की इज्जत जो है, घर वालों की इज्जत जो है नीलाम हो जाती थी बाजार में। दोस्तों अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है उसको अपराध माना गया है और आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। एक और हुआ था मॉब लिंचिंग, मतलब बहुत सारे मॉब लिंचिंग हो रहे थे किसी एक आदमी के खिलाफ जो है, बहुत सारे लोग घेर करके उसको मार देते थे। मॉब लिंचिंग बोलते ना, जैसे मान लीजिए कि किस सड़क पर कोई जा रहा है, उसको किसी दूसरे जो भी लोग जो है उसको घेर करके मार दिए, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं था, उसके लिए भी कानून बना दिया गया है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम के अलग कानून बना है, इसमें समूह में डकैती, चोरी, कब्जा, तस्करी, साइबर क्राइम भी शामिल है, ठीक है उसको भी ऐड किया गया है। और फर्स्ट टाइम जो है टेररिज्म को, आतंकवाद को कानून में शामिल किया गया, क्रिमिनल कानून शामिल किया गया। अब भी देखिए पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट जो मतलब ये IAS IPS और जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं उन लोगों के लिए जो है ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास करना अब अपराध होगा। पहले क्या करते थे लोग कि IAS घर के आगे सुसाइड करेंगे, मिट्टी का तेल डालेंगे ऊपर से, भाई हमारे काम करो नहीं तो हम जो है ये कर देंगे। तो अब विरोध प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह और भूख हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया है, जा सकता है, मान लीजिए जा सकता है, ठीक है। और भारतीय न्याय संहिता में क्या हटा दिया गया जो पहले था, जो मतलब रिक्वायर्ड नहीं था, या उसके ऊपर कुछ नई चीज़ जोड़े गए हैं, तो हटाया क्या गया है, जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना जो है अब गैर कानूनी नहीं है, है ना। अब इसके ऊपर कुछ नया ऐड किया गया होगा वहाँ पर, ठीक है। अडल्ट्री को भी अब क्रिमिनल कानून हटा दिया गया है, इसमें अब अपराध नहीं है। बच्चे से जुड़े अधिकतर अपराधों में लैंगिक असमानता को हटाया गया है, यहाँ पे मतलब कि लड़का और लड़की दोनों को बराबर अधिकार मिले हैं, पर लड़के और लड़की के लिए अलग से कुछ नियम बने होते थे जिसको हटा दिया गया। IPC की धारा 310 में ठग जो था, ठग जो चार मत उसको खिलाफ कानून खत्म कर दिया गया है, इन अपराधों का उसी मतलब जो संबंधित धारा था उसमें दर्ज कर दिया गया दोस्तों, है ना। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं से जो है कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं जो महिलाओं के लिए बहुत मांग की जा रही थी कि भाई महिलाओं के लिए कुछ अलग सिक्योरिटी या कुछ दिया जाए। देखिए धारा 69 के मुताबिक किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर रेप न हो फिर भी 10 साल की जेल है और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए पुलिस जो है बिना वारंट के, मतलब कि कोर्ट से वारंट नहीं लेना है, आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। IPC में इससे निपटने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था, इसके चलते जो है कोई IPC की धारा 493 और धारा 90 की मदद से मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के तहत फैसला सुनाता था जो कोर्ट था, ठीक है। अभी जो है क्लियर कर दिया गया कि भाई आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा होने वाला है, बिल्कुल अब कल क्लियर स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए नाबालिग से एक बहुत मुद्दा होता था, नाबालिग से 18 साल से कम की तो उसमें क्या होगा, तो पहले जो कानून थे मोस्टली 18 साल के ऊपर कानून होते थे, ठीक है। अब देखिए नाबालिग के साथ अगर गैंग रेप करता है, गैंग रेप कोशिश करने पर भारतीय न्याय संहिता में धारा 72 के तहत ओके अपराध में शामिल हर व्यक्ति को फांसी तक की सजा हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फांसी नहीं, फांसी मिल सकती है। वो धारा 71 के तहत किसी वयस्क महिला के साथ गैंग रेप के अपराध में भी उम्र कैद और कम से कम 20 साल की कैद की सजा हो सकती है, मतलब आप 30 साल के हैं तो 20 साल जेल में तो लाइफ खत्म, 50 साल मर जाओगे तो बचोगे। हाँ पहले क्या था,
12 साल था उसे कम उम्र तक की नाबालिग से गैंगरेप करने फांसी, और 12 साल से ऊपर युवती से गैंगरेप करने पर अपराध या उम्र से औसत से, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता में अडल्ट्री को हटा दिया गया है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता धारा 84 के तहत किसी शादीशुदा महिला को धमका करके फुसला करके उससे अवैध संबंध बनाने के इरादे से ले जाना अब भी अपराधी माना गया है, ठीक है। इसमें 2 साल की सजा है और जुर्माना हो सकता है दोस्तों, है ना। मान लीजिए कि नाबालिग पत्नी, अब आप पूछेंगे नाबालिग पत्नी क्या है दोस्तों, देखिए जो मुस्लिम है ना उनके लिए यहाँ पे जो है एक अलग से मुस्लिम लॉ एक्ट बनाया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनी है, जिसमें जो है 18 से कम साल की लड़कियाँ होती है सोचिए वो शादी की जाए मुस्लिमों को, मतलब मुस्लिम जो है अभी भी जो है बचे हुए हैं उनके लिए अलग से कानून बनाया गया दोस्तों। वो उनके वो जो है 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी कर लेते हैं, अब वो लड़की होती है नाबालिग, अब जब नाबालिग होती है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए जैसे बनाया गया है कि नाबालिग पत्नी से जबरन अगर शादी संबंध बनाते हैं वो लोग तो भी रेप माना गया, ठीक है। तो अब उनके लिए भी थोड़ा सोच समझ करो भैया, कोशिश करो शादी जो 18 साल के ऊपर की लड़की उससे शादी करो आप लोग। एक चीज़ और होती थी कि बच्चों से जुड़े दो चीज़ें थी, तभी भारत बच्चों की किडनेपिंग पर 7 साल सजा कर दी गई है, बच्चों की जो खरीद पर होगी उसमें 10 साल की सजा कर दी गई दोस्तों, ठीक है। अभी एक आप देखे होंगे कि ट्रक ड्राइवर थे ऑपरेटर थे बहुत हड़ताल किए थे कि ये हो जाएगा हमको, उनके जो खिलाफ कानून आया था, ठीक है वही बात करते हैं उस पर। तो भारतीय न्याय संहिता में जो है जो अपराधों की रिपोर्टिंग में रखे सावधानी सेक्शन 72 के अनुसार अदालत की परमिशन के बिना यौन अपराधों से जुड़े कोर्ट की कार्यवाही को पब्लिक करने का अपराध है, मतलब कि कोर्ट में कुछ एक्टिविटीज चल रही है उसको अगर पब्लिक कर दिया तो भी एक अपराध माना जाएगा, ठीक है। लापरवाही मतलब मेडिकल जो होता था, मान लीजिए मेडिकल डॉक्टर जो लापरवाही करते थे उसमें थोड़ा सा रियायत दे दी गई है इसमें जो है, हालांकि उसमें भी कानून बनाया गया ऐसा नहीं है। और तो उसमें ऐसा हुआ है कि अगर मेडिकल लापरवाही से किसी वजह से शख्स की मौत हो जाती है तो दोषी स्टाफ को 5 साल की सजा होगी, लेकिन डॉक्टर को 2 साल की सजा दिया गया, ठीक है। पहले ऐसा था कि डॉक्टर को जो है जुर्माना था और 2 साल की सजा थी, है ना। अब हीट एंड रन के लिए अवश्य कानून बनाया गया है, ड्राइवर में हीट एंड रन के लिए अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और घटना के तुरंत बाद दोषी पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिया बगैर भागा जाता है तो इसे हीट एंड रन कहते हैं। और भारतीय रन न्याय संहिता की धारा 106 आर्टिकल 2 के मुताबिक ऐसे मामलों में 10 साल की जेल होगी और 7 लाख का जुर्माना होगा दोस्तों, लीजिए। इसी कारण जो ट्रक ड्राइवर थे इसी कारण जो 10 साल की जेल वाले मैटर था कि मालिक किसी को मार के हम भाग गए, अभी रिपोर्ट नहीं किया जाकर के वहाँ पे 10 साल की जेल पाता पूरे के पूरे इंडिया में ट्रक ड्राइवर हड़ताल की होता है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो कानून है अभी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट है उसकी सलाह के बिना कानून लागू नहीं किया जाएगा, सरकार ने जो है आश्वासन दिया था और अभी ये रुका हुआ है कि 10 साल की सजा जो है इतना ज़्यादा जुर्माना जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए बहुत ही भारी होता है 10 साल की सजा, और मान लीजिए कि 7 लाख रुपये कहाँ से गएंगे, ठीक है। एक और चीज़ ऐड किया गया इसमें कि भारतीय न्याय संहिता में जो है छोटे छोटे अपराध है उसमें जो है कम्युनिटी सर्विस कर दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कम्युनिटी सर्विस में क्या किया क्या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बताया इसमें दिया गया है, है ना। उसके बाद मान लीजिए कि अब मॉब लिंचिंग थी उस पर अलग कानून बना दिया गया है, है ना। पहली बार क्रिमिनल कानूनों में आतंकवाद शामिल कर दिया गया है, है ना। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो किया गया है ना वो अब जानना है, मतलब देखिए मान लीजिए आपके आपका यूपी में है या आप बिहार में हैं या गुजरात में है या महाराष्ट्र में कहीं पे भी हैं आप, और आपको जो एफ आई आर कराना है तो पहले जो है एफ आई आर कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा पुलिस में, जहाँ से डर रहता था लोग जो है पुलिस थाने में जाने में डरते हैं दोस्तों, अभी भी जो है ना पुलिस थाने में जाने में लोग डरते हैं कि पता नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, तो एक डर उत्पन्न रहता था। तो किसी पुलिस किसी वकील को लेकर जाएंगे या किसी मोहल्ले को बड़ा आदमी हो तो उसको ले जाएंगे, भाई चलिए भैया थोड़ा एफ आई आर कराना है, एक पुलिस वाले क्या पता कोई फंसा मत दे हमको, एक ऐसी मेंटलिटी बन गई थी, अभी बनी भी हुई है ऐसा नहीं, अभी लोग जो है जान रहते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े अपडेट किए गए इसमें बनाया गया है, बता रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन जाना भी नहीं आपको, आपको एफ आई आर हो जाएगा, समझे। धारा 173 के मुताबिक अब पुलिस स्टेशन जाए बगैर ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज कराई जा सकती है, मतलब आप जो है एफ आई आर जो है ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। पहले कुछ राज्यों में चोरी जैसे अपराधों में ई एफ आई आर दर्ज होती थी, ठीक है, लेकिन अब देश भर में हत्या लूट रेप जैसे गंभीर मामलों में भी ई एफ आई आर हो सकती है, किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाकर के एफ आई आर दर्ज कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि अभी मेरा मैटर नहीं है उसका मैटर नहीं इसका मैटर नहीं कुछ नहीं, आप मान लीजिए गोरखपुर में है या अहमदाबाद में है गांधीनगर में है वडोदरा में है मुंबई में महाराष्ट्र में, तो आपको जहाँ पर भी चाहे आप जाकर वहाँ पर एफ आई आर दर्ज कराइए, उनका मैटर जाने कहाँ करना क्या नहीं करना, ठीक है। से मान लीजिए धारा 173 में जीरो एफ आई आर का प्रावधान दिया गया है, जीरो एफ आई आर यानी घटना किसी भी थाना क्षेत्र की हो उसकी एफ आई आर किसी भी जिले और थाने में कराई जा सकती है। पहले कई बार पुलिस फरियादी को थाना क्षेत्र का हवाला देकर वापस भेज देती थी, मान लीजिए कि मैं देवरिया में हूँ या
गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कहीं पर और हो, मुझे एफ आई आर कराना हो, तो पुलिस कहेगी भैया मेरे थाने केस नहीं है, आप वहाँ लेके जाओ, वहीं पर एफ आई आर होगा आपका, ठीक है। ये बड़ी बहुत बड़ा मिसयूज है, मतलब एक लूप होल थे, उसका फायदा उठा करके जो है ना, कई बार लोग जो है दो दो थाने जाते थे, अरे कौन जाए एफ आई आर, छोड़ो जो हो गया सो हो गया, हटाओ यार। लेकिन अभी जो है ना ये सब चीज़ें लागू कर दी गई है, तब इसमें जो है पुलिस की भी दायित्व बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि भाई उसको भी जो है ये काम करना ही करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों फ़ोन पे मिलेगी आपको केस की जानकारी, मान लीजिए, और फ़ोन से आपको बताइए पुलिस की आपका जो केस हुआ था वो कहाँ पे है। अब पहले बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपने एफ आई आर कराया, अब आपको जाकर पूछना पड़ता था भैया हमारा गड़िया मिला कि नहीं मिला, हमारा हवी मिला कि नहीं मिला, पान हुआ कि नहीं हुआ, तो आप लोग कभी जो है ना पुलिस वाले 100, 200, 500, 1000, मतलब भैया देखिए सुना हुआ हूँ मैं कि जब जाएंगे आप थाने में तो आपको किसी को देना पड़ता था, है ना, या कहावत है कि जाएंगे तो लूट लेंगे पुलिस वाले आपको, तो वो जो चीज़ें थी यहाँ पे, तो हम देखिए वो सब चीज़ें हटा दी गई हैं। अब पुलिस वाले जो हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा सारे पुलिस वाले या कुछ भी, मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहूँगा इसमें, है ना, लेकिन एक अवधारणा बनी हुई है कि पुलिस थाने में जाने में लोग डर लगता है, पुलिस थाने में जाए कि ना जाए, है ना, और उस जाने पर पता नहीं क्या होगा, पुलिस वाले क्या बोलेंगे, मुझे फंसा ना दे, सब बहुत सारी चीज़ें लोगों के माइंड अभी फिट हुई हैं। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग पुलिस थाने में जाने से डरते हैं दोस्तों, जाने में डरते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जो है इसका बहुत बड़ा असर है कि कानून को लाना पड़ा है। अब जो है पुलिस वाले जो है आपको जो है मोबाइल पर बताएंगे, भैया मोबाइल बताएंगे कि आपका केस का अपडेट क्या है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस क्या, आपको SMS के थ्रू मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई है ना, और अरेस्ट होने पर जानकारी देने का प्रावधान किया गया। मान लीजिए कि 36 के मुताबिक व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद अपनी इच्छा के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट होने की जानकारी देने का अधिकार दिया गया है। पहले क्या था कि हम मुझे मान लीजिए किसी को अरेस्ट कर लेगा, अब पुलिस वाले उसको अलाउ नहीं करते थे किसी को बताए ना बताए, बाद में जो है पता चलेगा भैया फलाने जो अरेस्ट हो गए हैं तो उनके घर वाले जो है वकील को ले जाएंगे या जिसको ले जाएंगे भाई क्या केस था क्या नहीं था। तो अभी ऐसा किया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उस व्यक्ति को जो है अधिकार दिया गया कि आप किसी एक व्यक्ति को बता दीजिए कि भैया मुझे इस केस में या फलाने केस में जो है मुझे अरेस्ट किया गया है, तो ये चीज़ है उसमें। और गंभीर मामलों में फॉरेंसिक जाँच जरूरी है, मतलब देखिए अभी ऐसा हो गया है कि गंभीर जो मामला है वहाँ पर फॉरेंसिक जाँच, मतलब जो बोलता है ना साइंटिफिक एविडेंस, वो जरूरी कर दिया गया है ना, उसकी किसी घर की तलाशी करते वक्त भी पुलिस को वीडियोग्राफी करनी होगी, मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस किसी घर में घुस जाए जो मन में कर ले, नहीं, आप किसी घर तलाशी लेंगे तो आपको पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा भैया कि भैया हम ये काम किए, हम ये चेक किए, वो चेक किए, ठीक है। जहाँ पे धारा 176 लगाई गई है कि इसके मुताबिक 7 साल के ज़्यादा की सज़ा पाने वाले लोग जो होंगे, है ना, वहाँ पर एक्सपर्ट अपराध वाली जगह पर जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे। अब दोस्तों ये की गई है इसमें कि धारा 193 के मुताबिक महिलाओं और बच्चों से जुड़े गंभीर अपराध के मामलों को आपकी शिकायत मिलने के 2 महीने के अंदर ख़त्म करना होगा, मतलब अब जज को भी टारगेट दे दिया गया है कि मान लीजिए किसी महिला के साथ किसी बच्चे के साथ कोई केस होता है, कोई गलत काम होता है, तो आप उसको 2 महीने के अंदर डिसीजन लीजिए। पुलिस भी अब जल्दी टाल मटोल नहीं करेगी, फटाफट जो है क्या करेगी कि जो है सबूत इकट्ठा करेगी, लोग बयान लेगी और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई जो भी होगा, है ना, तो करके जो है अच्छा डिजिटल एविडेंस पर जोर दिया गया। मान लीजिए कि CCTV कैमरा है ना, और मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो उस पर भी जो है डिजिटल एविडेंस पर जोर दिया गया है। ओके, उसके बाद से पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में माने नहीं होगा। सेक्शन 23 के मुताबिक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में माने नहीं होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25, 26, 27 को मिला करके BSA का, मतलब पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, मतलब पहले में ही था कि आपको जज रहना चाहिए सामने, आपको जो है जाकर बयान देकर तभी वो एक्सेप्ट होगा कोई जज रहेगा, तो अभी भी वही है। प्राइमरी एविडेंस दायरा बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 52 में प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन किया गया है, इसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स को प्राइमरी एविडेंस ही माना जाएगा, मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है बशर्ते उनके साथ कोई छेड़छाड़ मतलब टेम्परिंग न किया गया हो, मतलब मान लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है ना, कोई डिजिटल रिकॉर्ड से फोटो है वीडियो है और उसमें कुछ प्रूफ दिख रहा है, जैसे मान लीजिए CCTV कैमरा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई चोरी कर लिया है, तो भी एक साक्ष्य माना जाए, सबूत माना जाए भाई, इसके आधार पर भी हम उसको जज चाहे तो उसको फैसला सुना सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ बदलाव थे दोस्तों जो BNS में और किए गए हैं, मतलब जो नए कानून आए उसको किए गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लागू की गई हैं इसमें। अब देखिए इसमें पुलिस वालों की बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है, अब पुलिस वाले जो है थोड़ा सा ईमानदारी से काम करें तो जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भी इंडिया के आम नागरिक हैं, उनको जो है न्याय जो है ज़्यादा जल्दी से मिल सकता है, और वकील जो है वकील जो भी जो है उनको भी जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा,
मेरे बहुत सारे मित्र वकील हैं, उनको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी जो है हमारे एक मित्र जो है दरोगा भी हैं, तो उन लोगों के लिए टास्क बढ़ गया दोस्तों। उसमें जो है उन लोगों को जो है पुराना कानून भी पढ़ो, अब नया कानून जाए उसको भी पढ़ो भैया, तो पढ़ के जो है न्याय दिलाओ अब जो है। और साथ में जो जज लोग हैं उनका तो भाई बढ़ ही गया है, पुराने कानून पुराने जो केस पेंडिंग है उसकी कार्यवाही वो लोग सुनेंगे पुराने कानून के तहत, और जो नए केस आएंगे आज से उसकी सुनेंगे नए केस के तहत, उनका जो है दिमाग तो घर चप्पल होना ही हो भैया। तो कुल मिला जुला करके कुछ समय तक चलेगा। उसका उपाय यही है कि भैया जल्दी जल्दी जो पुराने कानून पुराने जो केस पेंडिंग पड़े हैं खत्म कीजिए आप लोग, है ना, और जो नए केस आएंगे शुरू कीजिए। और दोस्तों ये जो बनाए गए हैं कानून जो है वो अच्छे हैं, और इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया, शायद इसमें चीज़ और किया गया है कि इंडिया के बाहर मतलब इंडिया के बाहर कोई जो है अगर इंडिया के खिलाफ कोई मतलब आपराधिक गतिविधि करता है तो उसके लिए भी जो है कानून बनाया गया है ना, तो वो भी एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसमें जो है। तो कुल मिलाकर जो है ना इसमें जो है बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुलिस राज बढ़ जाएगा, पुलिस को राइट्स दे दिया गया है ना, पुलिस के पास ऐसा हो गया है। देखिए वो तो पहले ही ऐसा था यार, पुलिस जिसको चाहे जो चाहे कर सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है, बिना बताया कर सकती थी अनऑफिशियली जो है। तो अब जो है ऑफिशियली कर दिया है तो उसमें अच्छा है कि भैया जो उससे कुछ होगा तो क्राइम मतलब बचेंगे। इसलिए है कि पुलिस को जो है थोड़ा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, और साथ में जो है देखना चाहिए किसी को उत्पीड़न ना हो, जो गलत तबके के लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको ही जो है आप लोग जो है वो करें। और साथ में इस कानून का जो है इस पर अभी स्टडी होगा, बहुत सारे धीरे धीरे इस पर चीज़ें आएंगी, है ना, बहुत सारे इस पर मैटर आएंगे धीरे धीरे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं जानकारी दिया हूँ जो नए कानून आए हैं और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हो सकता है कि अभी इसमें कुछ बाद में क्या कहते हैं उसको यार बढ़ाया जाए, मतलब बढ़ाने का मतलब नहीं, बाद में इसमें जो कुछ बदलाव भी किए जाएंगे धीरे धीरे। क्या होता है ना कानून में जो है कुछ आर्टिकल भी ऐड किए जाते हैं कि भाई इसमें जोड़ दो तो चलता रहेगा, वो सब तो संसद का अधिकार होता है वो तो करती रहती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, बाकी कुछ कमी उमी है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए बताइए कि कैसा लगा वीडियो और क्या आपको चाहिए। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।